अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं ये कहूँ कि हमने जितने लेक्चर लिए उन लेक्चर का मकसद ये था, यहाँ तक पहुँचना था, और मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करूँ। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। पहले इसमें बात करती कि आम लोग एक्सेलरेशन से क्या मतलब लेते हैं, और जो साइंस के जो फिज़िक्स के स्टूडेंट होते हैं, जो फिज़िक्स के टीचर्स होते हैं, वो एक्सेलरेशन से क्या मतलब लेते हैं। आम या साइंस के स्टूडेंट तकरीबन एक्सेलरेशन से सेम मीनिंग लेते हैं, एक्सेलरेशन एक्सेलरेटेड। तो मतलब यह है कि स्पीड को इंक्रीज करना, वेलोसिटी को इंक्रीज करना, ये एक सेंस बनता है इसका। आम लोगों में इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन का मतलब अपने मोशन को तेज करना, बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ मोशन को तेज करना इसको एक्सेलरेशन कहना ये सही है, लेकिन इसको जनरलाइज करना ये गलत है। तो स्टूडेंट, क्या एक्सेलरेशन को हम वेलोसिटी के साथ लिंक कर सकते हैं इस तरह? नहीं। एक बात सुने, हम पहले पोजीशन की बात करते हैं। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था पोजीशन, और जब पोजीशन में चेंज आता है तो डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट आते हैं, और जब उस डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड करते हैं तो वेलोसिटी का कंसेप्ट आते हैं, और जब इस वेलोसिटी में चेंज आते हैं, वेलोसिटी में इंक्रीज आता है या डिक्रीज आता है, फिर एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आता है। तो पहले आपने पोजीशन में चेंज लाना है, पोजीशन में चेंज आ गया, कितने टाइम में आ गया, उस चेंज इन पोजीशन को टाइम पे डिवाइड करो, यू विल गेट वेलोसिटी। लेकिन अगर वेलोसिटी में चेंज आ गया, अब वेलोसिटी में चेंज मेरा मतलब क्या है, वेलोसिटी को इंक्रीज करो या वेलोसिटी को डिक्रीज करो या वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करो, इसको कहते हैं वेलोसिटी चेंज। इस वेलोसिटी में चेंज आ गया, कितने टाइम में आ गया, तो अगर आप उस वेलोसिटी चेंज को टाइम पे डिवाइड करते देन यू विल गेट व्हाट, एक्सेलरेशन। तो बातों को थोड़ा चैनलाइज करते हैं, पोजीशन, चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टाइम वेलोसिटी, एंड चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये थर्ड के डिग्री पे आते हैं, पहले पोजीशन है, फिर पोजीशन में चेंज आएगा, उससे वेलोसिटी का कंसेप्ट आएगा, फिर जब वेलोसिटी में चेंज आएगा फिर उससे आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन आएगा। ये बहुत ही जरूरी बात है। तो वे एक्सेलरेशन का कंसेप्ट जो होता है वो थर्ड कैटेगरी में आता है, मतलब पोजीशन, चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टाइम वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इज कॉल्ड व्हाट, एक्सेलरेशन। तो अगर वेलोसिटी जीरो है तो क्या एक्सेलरेशन जीरो होगा? तो भाई यही तो आप गलती करते हैं ना, आप डायरेक्टली वेलोसिटी को एक्सेलरेशन के साथ लिंक करते हैं। वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ इस तरह कुछ लिंक नहीं है, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी चेंज के साथ लिंक है। क्या टेम्परेचर और चेंज इन टेम्परेचर एक चीज है? नो 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 नो। क्या वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी एक चीज है? नो। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन को लिंक करो चेंज इन वेलोसिटी को। तो क्या चेंज इन वेलोसिटी को मैं एक्सेलरेशन कह सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। इन बातों को समझने की कोशिश करें, ये बहुत ही जरूरी बातें हैं। तो चलिए एक्सेलरेशन का कंसेप्ट स्टार्ट कर देते कि व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, स्मॉल ए से, और इसके ऊपर एरो का साइन लगाना जरूरी है। लेकिन एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? शाबाश, एक्सेलरेशन कहते हैं, अटेंशन प्लीज, एक्सेलरेशन का जब हम डिफिनीशन करते हैं तो एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? व्हाट इज एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन क्या है?
एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, रेट रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इस कॉल्ड एक्सेलरेशन, या इन अनदर वर्ड शाबाश, इन अनदर वर्ड चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल वी से, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट, एक्सेलरेशन। मैंने ऊपर लिखा है कि इस एक्सेलरेशन के लिए स्टूडेंट हम सिंबल क्या यूज करते हैं, रिमेंबर इस एक्सेलरेशन के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं, रिमेंबर इस एक्सेलरेशन के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं ए, स्मॉल ए, इट इज द सिंबल ऑफ एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन के लिए हम जो यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, यूनिट्स, इसके लिए जो हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट यूज करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बाकी इसके लिए ये जो यूनिट है ना, ये जो यूनिट है, रिमेंबर ये सिस्टम इंटरनेशनल है, बाकी इसके लिए हम ये भी यूज कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाय व्हाट सेकंड, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी एक्सेलरेशन का यूनिट है, या हम ये भी यूज कर सकते हैं माइल पर आवर डिवाइड बाय पर सेकंड, इसको भी हम एक्सेलरेशन का यूनिट कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट, क्या एक्सेलरेशन वेक्टर है कि स्केलर है? जाहिर बात है, एक्सेलरेशन का वजूद जो आता है वो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, अटेंशन प्लीज, एक्सेलरेशन हमारे पास, एक्सेलरेशन ए हमारे पास क्या है, इसके ऊपर हमने एरो का साइन पुट किया है, वेक्टर है। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं, रिमेंबर, जिसका मैग्नीट्यूड भी होते हैं और डायरेक्शन भी होते हैं। तो हम एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड पे भी बात करेंगे और डायरेक्शन भी बात करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक्सेलरेशन को हम मैथमेटिकली किस तरह लिखते हैं, हाउ वी कैन राइट मैथमेटिकली, मैथमेटिक्स के जुबान में हम किस तरह लिखते हैं? जब हम किसी चीज का मैथमेटिकल शेप लिखते हैं तो इसका मतलब यह है, हाउ टू मेजर द एक्सेलरेशन, इट इज द, इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन, कि इस चीज का मैग्नीट्यूड किस तरह मालूम करेंगे, इसके वैल्यू को हम किस तरह मालूम करेंगे। तो मैथमेटिक्स का लिखना, मैथमेटिकल इक्वेशन का लिखना फिजिक्स में जरूरी है, बिकॉज फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। आप एक चीज को डिफाइन करते हैं तो इसको किस तरह मेजर करोगे, विद द हेल्प ऑफ दैट मैथमेटिकल इक्वेशन। तो हम इस एक्सेलरेशन का जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो है ए इज इक्वल टू, दैट इज व्हाट, डेल वी, डेल, डेल का मतलब है चेंज, डेल वी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या इस डेल वी को हम इस तरह लिख सकते हैं? बिल्कुल, इधर देखें, डेल का मतलब है चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी, वी एफ का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, वी आई का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। जब भी हम चेंज मालूम करते हैं, रिमेंबर स्टूडेंट, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ये हम इस तरह मालूम करते हैं। तो यहां से एक पॉइंट सीखते हैं, यहां से अगर आप ये कंफर्म करना चाहते हैं कि वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का ये यूनिट किस तरह आता है, तो आपको पता है वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी की जगह लगाओ, इधर देखो, अगर आप इसका यूनिट को कंफर्म करना चाहते हैं कि इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस तरह आते हैं, तो बिल्कुल आप कंफर्म कर सकते हैं वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, इस तरह भी लिख सकते हो।
और नीचे भी टाइम है, उसको भी टाइम का यूनिट दिखाओ। इस सेकंड इनवर्स को नीचे लाओ तो नीचे भी सेकंड है और ऊपर वाला सेकंड भी आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको स्टूडेंट हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया व्हाट, एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास आ गया, इस यूनिट को आप इस तरह कंफर्म कर सकते हो। एनी हाउ आगे ये और भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब सुने, जो मैथमेटिकल इक्वेशन होते हैं फिजिक्स का सही मीनिंग और सही कंसेप्ट वहां से स्टार्ट हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट, एक्सेलरेशन के इक्वेशन पे थोड़ा सोचें। एक्सेलरेशन, हम जब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, अटेंशन प्लीज, तो एक्सेलरेशन के इक्वेशन में दो चीजें हैं कि एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है, इसकी जो वैल्यू होती है, वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। इधर देखो, ये डिपेंड करते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, और चेंज इन वेलोसिटी के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, और एक्सेलरेशन का टाइम के साथ क्या है, इनवर्स है। लेकिन डेल्टा टी जो है वो टाइम इंटरवल है कि वेलोसिटी में जो चेंज आते हैं वो कितने टाइम में आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दो चीजों पर डिपेंड करते हैं। एक्सेलरेशन, अटेंशन प्लीज, एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिपेंड्स ऑन किन किन चीजों पे? पहला पॉइंट, एक्सेलरेशन किस चीज पे डिपेंड करते हैं? एक्सेलरेशन पहला पॉइंट डिपेंड करते हैं। एक्सेलरेशन पहले आपके पास डिपेंड करते हैं किस चीज पे? चेंज इन वेलोसिटी पे। कि चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान क्या रिलेशन है, चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चेंज इन वेलोसिटी इसका एक्सेलरेशन, मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको ये पॉइंट समझा रहा हूं कि इन दो कंसेप्ट का क्या मतलब है, ऊपर वाले और नीचे वाले टाइम के साथ किस तरह रिलेशन है और चेंज इन वेलोसिटी के साथ किस तरह रिलेशन है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं। तो अगर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, अगर चेंज इन वेलोसिटी इन ए गिवन टाइम ज्यादा है तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। अगर चेंज इन वेलोसिटी आपके पास कम है तो एक्सेलरेशन भी आपके पास कम होगा। कीपिंग द टाइम इंटरवल फिक्स, मतलब मैं 0 से लेकर 1 सेकंड तक देख रहा हूं एक गाड़ी की वेलोसिटी को कि वो कितना चेंज हो गया। तो आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताना चाहता हूं, हम गाड़ी के इंजन को या मोटरसाइकिल के इंजन को अक्सर चेक करते हैं, तो अगर गाड़ी का स्पीड, गाड़ी के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जल्दी चेंज हो रहे हैं, इसको कहते हैं पिक, मतलब अगर आप गाड़ी के वेलोसिटी को सडनली चेंज करते शॉर्ट टाइम में, तो इस गाड़ी का इंजन अच्छा है। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी, सपोज एक गाड़ी है, उसने अपने वेलोसिटी को 1 सेकंड में 20 से लेकर 40 तक चेंज किया, दूसरी गाड़ी को मैं चेक कर रहा हूं, उसने अपने सेम इंटरवल 1 सेकंड के दौरान अपने वेलोसिटी को 20 से 60 कर दिया, हालांकि टाइम इंटरवल तो सेम है, तो चेंज इन वेलोसिटी किस में ज्यादा है? एक में 20 से 40 हो गया, दूसरे में 20 से 60 हो गया विद इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम विद इन 1 सेकंड। तो किस गाड़ी का इंजन अच्छा है? जिस गाड़ी का वेलोसिटी में चेंज ज्यादा आ गया, उस गाड़ी का इंजन क्या है? अच्छा है। तो जितना चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। और स्टूडेंट, आपको एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताना चाहता हूं, और वो पॉइंट ये है कि ये आगे और भी क्लियर हो जाएगा कि एक्सेलरेशन और चेंज इन वेलोसिटी ये हमेशा एक दूसरे को पैरेलल होंगी। एक्सेलरेशन और चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और चेंज इन वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे को क्या होंगे, हमेशा
एक्सेलरेशन और चेंज इन वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे को पैरेलल होंगे, ये पैरेलल का साइन है। तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे को क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो एक्सेलरेशन और चेंज इन वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे को पैरेलल होंगी। चेंज इन वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगी, एक्सेलरेशन भी उस डायरेक्शन में होगा। मैं एक्सेलरेशन के डायरेक्शन पे बात करूंगा, लेकिन अभी सिर्फ ये पॉइंट क्लिक हो रहा था। तो मैंने ये नहीं कहा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा, नो, मैंने ये कहा कि चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा। वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, दूसरा, एक्सेलरेशन एक और फैक्टर पर भी डिपेंड करते हैं डियर स्टूडेंट, एक्सेलरेशन एक और फैक्टर पे भी डिपेंड करते हैं। लुक एट द अबव इक्वेशन, दूसरे फैक्टर पे जो हमारे पास है कि एक्सेलरेशन एक और फैक्टर पे भी डिपेंड करते हैं, और वो क्या है हमारे पास कि एक्सेलरेशन का टाइम के साथ क्या है, टाइम इंटरवल के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। जब हम पहले वाले पॉइंट की बात करते हैं तो यहां पर हम टाइम इंटरवल को कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन जब इसकी बात करते हैं तो यहां पर चेंज इन वेलोसिटी को हम सेम रखते हैं और टाइम इंटरवल को डिफरेंट रखते हैं। ये आगे मैं एक और स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा। तो सपोज अगर टाइम इंटरवल कम है, कम टाइम इंटरवल में आपने वेलोसिटी को चेंज किया, तो फिर आपके पास एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। सो इफ यू चेंज योर वेलोसिटी क्विकली, योर एक्सेलरेशन विल बी वेरी लार्ज। अगर आपने अपने वेलोसिटी को, अपने गाड़ी के वेलोसिटी को जल्दी चेंज किया, विद इन ए शार्प, विद इन ए क्विक टाइम, विद इन ए शॉर्ट इंटरवल टाइम, योर एक्सेलरेशन विल बी वेरी ह्यूज। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी से ज्यादा भी आ सकता है। कब ज्यादा आएगा? अगर आप गाड़ी या अपने वेलोसिटी को क्विकली चेंज करें, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज करें, तो फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। और अगर आप अपने गाड़ी के एक्सेलरेशन को, वेलोसिटी को स्लोली चेंज करती हैं, तो फिर तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी से कम भी आ सकता है, बराबर भी आ सकता है। तो यहाँ से एक एमसीक्यूज पॉइंट क्लियर हो गया, क्या एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी से ज़्यादा आ सकता है? यस, व्हेन यू चेंज योर वेलोसिटी क्विकली। क्या एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी से कम आ सकता है? यस, जब आप एक लंबे इंटरवल, लॉन्ग टाइम के लिए, यानी आप अपने वेलोसिटी को क्विकली चेंज ना करें बल्कि स्लोली चेंज करें, तो फिर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से कम आ सकता है, और इस तरह बराबर भी आ सकता है। डिपेंड अपॉन, क्योंकि एक्सेलरेशन जब पैदा होता है वो दो चीजों पे, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम पे डिपेंड करता है। खैर स्टूडेंट, ये पॉइंट तो हमें थोड़ा बहुत समझ आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, मैंने आपको ये पहला पॉइंट समझाया, थोड़ा इसको रिवाइज करते हैं कि एक्सेलरेशन और चेंज इन वेलोसिटी के दरमियान क्या रिलेशन है। डायरेक्ट, जितना चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा होगा, एरो का साइन का मतलब ये है इंक्रीज, तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा, कीपिंग द टाइम इंटरवल कॉन्स्टेंट। एक एग्जांपल दे रहा था कि आपको समझ आ जाए, इस तरह समझ नहीं आता, सिर्फ बात समझ नहीं आता। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट पे हम देखते हैं और बी पॉइंट पे देखते हैं। ए पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है वी ए और बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है वी बी। तो यहां पर हम वेलोसिटी चेंज को किस तरह लिखेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी है वी बी, तो हम लिखेंगे शाबाश वी बी माइनस वी ए, ये वी बी माइनस वी ए। तो अगर आपने सपोज आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है 20 है मीटर पर सेकंड, और आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी आपकी हो गई 60 मीटर पर सेकंड, और इस दौरान आपने टाइम कितना ले लिया, टाइम ले लिया 1 सेकंड,
आपने जब अपनी वेलोसिटी को 20 से 60 कर रहे थे तो टाइम कितना लग गया, यानी जब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे थे तो ए पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी 20 थी, बी पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी 60 होगी, इस दौरान टाइम कितना लग गया, 1 सेकंड लग गया। तो कोई आपसे कहते कि एक्सेलरेशन मालूम करो, तो आप एक्सेलरेशन मालूम कर सकते। एक्सेलरेशन किस तरह मालूम करोगे, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय व्हाट, चेंज इन टाइम। तो टाइम इंटरवल तो 1 सेकंड है, तो चेंज इन वेलोसिटी किस तरह मालूम करेंगे, ऊपर हमने लिखा है वी बी माइनस वी ए, 60 माइनस 20 कितना आएगा, 40, और डिवाइड बाय टाइम 1। तो इसका मतलब यह है कि आपका एक्सेलरेशन कितना हो गया, आपका एक्सेलरेशन हो गया 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि हर सेकंड के बाद आपकी वेलोसिटी में जो चेंज आएगा 40 मीटर सेकंड इनवर्स डिवाइड बाय सेकंड, मतलब ए पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी 20, बी पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी है 60, अब सी पॉइंट आगे देखो, अगर टाइम इंटरवल सेम है तो सी पॉइंट पे आपका एक्सेलरेशन आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, शाबाश 60 के साथ 40 ऐड करे तो कितना आएगा, 100 आएगा। इसी तरह 100 के साथ 40 ऐड करे तो कितना आएगा, 140। तो हर सेकंड बाद आपके वेलोसिटी में कितना इजाफा आएगा, 40। तो इसको कहते हैं व्हाट, दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। इसको इसका मतलब ये है कि यहां पर चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड कितना है, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड 40 है, दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, एक्सेलरेशन। और इधर देखिए स्टूडेंट, इसी को इस कंसेप्ट को दोबारा क्लियर करते हैं। सपोज आप सी पॉइंट से डी पॉइंट तक जाते हैं और चलें सी पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी है 20 और जब डी पॉइंट पे मैंने चेक किया आपकी वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड और टाइम इंटरवल कितना लग गया, सपोज टाइम इंटरवल जो आपके पास लग गया वो टाइम इंटरवल कितना है, वो अभी भी 1 सेकंड है। तो क्या यहां पर भी एक्सेलरेशन सेम होगा, नो, यहां पर चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। यहां पर चेंज इन वेलोसिटी को किस तरह मालूम करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, आपकी फाइनल वेलोसिटी है वी डी, द वेलोसिटी एट डी पॉइंट, एंड माइनस व्हाट, द वेलोसिटी एट सी पॉइंट, इट इज योर इनिशियल वेलोसिटी। तो फिर आपके पास वी डी कितना है डी पॉइंट पे, 100, ये कितना है, शाबाश 20, कितना आ गया, 80, चेंज इन वेलोसिटी 80, और टाइम इंटरवल कितना है, टाइम इंटरवल, तो क्या ये एक्सेलरेशन है, नो, ये चेंज इन वेलोसिटी है। अगर आप एक्सेलरेशन मालूम करना चाहते तो एक्सेलरेशन बराबर होगा डेल वी डिवाइड बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी, ये डेल्टा टी है, तो फिर आपके पास आएगा 80 डिवाइड बाय 1 सेकंड, तो कितना आएगा, 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, शाबाश। अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन आ गया 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, इसका क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका क्या मतलब है। इधर मैंने समझाया, अगर आपको ये 40 वाला समझ आ गया आप इसका भी आंसर दे सकते हैं। ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करें कि इस 80 मीटर पर सेकंड से क्या मतलब हो गया, यू कैन डू इट, शाबाश, आप इसको कर सकते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस रिलेशन, ये इस रिलेशन का सही कंसेप्ट था, शायद आपको समझ आ गया। चले ये तो हमें समझ आ गया, अब नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाते हैं। अब ये हमें समझ आ गया, दूसरा हमारे पास एक्सेलरेशन का टाइम के साथ क्या रिलेशन है, जो हमने एक्सेलरेशन का टाइम के साथ क्या है, इनवर्स है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको एक फैक्टर को मैंने मैथमेटिकल एग्जांपल से एक्सप्लेन किया।
अब सपोज इस केस में हम चेंज इन वेलोसिटी को सेम रखेंगे, सपोज यहां पर मैं इस पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी ये है और इसकी फाइनल वेलोसिटी ये है। जब मैंने चेक किया इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी है, सपोज 20 है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, सपोज वो हो गई आपके पास 40। तो चेंज इन वेलोसिटी किस तरह मालूम करेंगे? शाबाश स्टूडेंट, डेल वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, वी एफ माइनस वी आई। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 40, इनिशियल कितना है 20, तो कितना आएगा 20। तो क्या एक्सेलरेशन है? और जब आप वेलोसिटी को 20 से 40 कर रहे थे तो आपका जो टाइम लग गया, टाइम जो लग गया वो 2 सेकंड लग गया। कितना 2 सेकंड? तो कहते हैं कि एक्सेलरेशन मालूम करो। एक्सेलरेशन किस तरह मालूम होते हैं? डेल वी डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल वी कितना है 20, डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी कितना है, शाबाश डेल्टा टी आपके पास है दैट इज 2 सेकंड है। तो आपके पास ये आ गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 2, कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? दोबारा आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या मतलब है? और फॉर एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, ये एक एग्जांपल हो गया, दिस इज वन एग्जांपल रिलेटेड विद दिस रिलेशन। दूसरा एग्जांपल, चलिए चेंज इन वेलोसिटी सेम है, यहां पर आपकी वेलोसिटी है 20 और यहां पर आपकी वेलोसिटी हो गई कितनी 40, लेकिन अब आपका टाइम इंटरवल लग गया 0.1 सेकंड। कितना 0.1 सेकंड? तो क्या अभी भी एक्सेलरेशन सेम होगा? नो, इस कंसेप्ट को देखे अब टाइम कम हो गया, एक्सेलरेशन ज्यादा आना चाहिए। तो अगर अब आप एक्सेलरेशन मालूम करते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है 20 और टाइम इंटरवल कितना है 0.1। पॉइंट को खत्म करने के लिए हम ऊपर जीरो लगाएंगे, तो अब आपके पास एक्सेलरेशन जो आएगा वो 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज योर एक्सेलरेशन। इधर देखो चेंज इन वेलोसिटी सेम, दोनों केस में चेंज इन वेलोसिटी कितनी है 20, लेकिन टाइम इंटरवल सेम नहीं है। तो अगर आप अपने जो मैंने कहा ना कि अगर आप वेलोसिटी को जल्दी क्विकली चेंज करें तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा आएगा 200। यहां पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या आ गया? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो आ गया वो ग्रेटर आ गया किससे? वेलोसिटी से। और इधर क्या है? वेलोसिटी पहले 20 फिर 40 और एक्सेलरेशन कितना आ गया? इस केस में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो है वो वेलोसिटी से कम आ गया। तो मैं जो आपको कह रहा था कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी से ज्यादा आ सकता है और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी से कम भी आ सकता है, वो बात यहां पर आपको क्लियर हो गई। व्हाट मींस बाय दिस 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दे दे कि इसका क्या मतलब है। तो स्टूडेंट वो ये वो दो फैक्टर थे जो मैंने आपको समझाए कि इसका क्या मतलब है। अच्छा ये तो हमें क्लियर हो गया, ये पॉइंट्स हमें क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। ये सिर्फ एक्सेलरेशन का कंसेप्ट था। अब एक और पॉइंट, स्टूडेंट कि एक और पॉइंट की हम बात करते हैं, लेकिन ये एक्सेलरेशन का सही कंसेप्ट था। स्टूडेंट इस एक्सेलरेशन पे मैं दूसरा लेक्चर भी लूंगा, सही है, क्योंकि ये लेक्चर फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह मैं बात करूंगा। ये सिर्फ एक्सेलरेशन का प्योर कंसेप्ट था, मैंने एक्सेलरेशन के टाइप्स को डिस्कस नहीं किया। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो इससे भी इंपॉर्टेंट होगा, मैं एक्सेलरेशन के डायरेक्शन पर बात करूंगा और फिर मैं एक्सेलरेशन के जो टाइप्स होंगे कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, डीसेलरेशन का मतलब क्या होगा, रिटार्डेशन का क्या मतलब होगा, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूंगा। ये लेक्चर भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये दूसरा लेक्चर जो है ये इससे भी इंपॉर्टेंट है।
तो काइंडली उस लेक्चर को मिस ना करें, क्योंकि उसमें बहुत से स्टूडेंट और बहुत से जो न्यू टीचर्स हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो आई होप आज आपको समझ आ गया कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। स्टूडेंट इंशाल्लाह इस बात को आगे बढ़ाते हैं। एक पॉइंट बताना चाहता हूँ आखिर में, जो लोग ड्राइविंग करते हैं उनके लिए एग्जांपल है, और जो ड्राइविंग सीख रहे हैं उनके लिए भी ये एग्जांपल है। जब आप अपने गाड़ी के वेलोसिटी को चेंज करते हैं तो आपके पास तीन ऑप्शन है, अपने गाड़ी के वेलोसिटी को आप चेंज कर सकते हैं। एक उसमें होता है एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर के जरिए से जब आप अपने गाड़ी के एक्सेलरेटर को दबाते हैं तो गाड़ी का स्पीड बढ़ता है या कम हो जाते हैं। गाड़ी का स्पीड यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, एक्सेलरेशन पैदा हो गया। लेकिन सपोज जब आपने एक्सेलरेटर दबा रहे थे तो आपने देखा स्पीडोमीटर को, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड था 60, और दो सेकंड बाद या एक मिनट बाद आपके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पहुंच गया, आपका स्पीडोमीटर का जो नीडल था वो 100 पे पहुंच गया। तो 60 से 100 तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लग गया? तो अगर आप इस चेंज इन वेलोसिटी को टाइम पे डिवाइड करते तो आप अपनी गाड़ी के एक्सेलरेशन को मालूम कर सकते हैं। या अगर आप मुसलसल एक्सेलरेटर को दबा रहे हैं, आप उस एक्सेलरेटर से पांव हटाएं, फिर वेलोसिटी कम होती जाएगी, गाड़ी का स्पीड गिरेगा, कम होता जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। डेफिनेटली एक्सेलरेटर से आपने पांव हटा दिया तो फिर तो गाड़ी का स्पीड कम होता जाएगा, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो गया, ये भी एक्सेलरेशन है। फिर 100 से 60 पे आ गया। यह एक और तरीका भी है, आप 100 मीटर पर सेकंड से 100 किलोमीटर पर आवर से आप जा रहे हैं, ये आपकी वेलोसिटी है, और आपने ब्रेक दबा दिया, अपने गाड़ी को स्लो कर रहे, आगे गाड़ी आ रही है या ब्रेकर आ रहे या कोई पर्सन है वो रोड को क्रॉस कर रहे और अपने गाड़ी के स्पीड को कंट्रोल करना है, तो आपने ब्रेक दबा दिया। ब्रेक के जरिए से भी आप अपनी वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इसको भी एक्सेलरेशन कहते हैं कि वेलोसिटी में कितना डिक्रीज आ गया, इसको भी एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन इस एक्सेलरेशन का एक अच्छा एक खूबसूरत नाम है, ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन और तरीके भी हैं कि ना आप एक्सेलरेटर दबाते हैं, ना आप एक्सेलरेटर से पांव हटाते हैं, ना ब्रेक दबाते हैं, और फिर भी आप कहते हैं कि मुझे इस गाड़ी में एक्सेलरेशन पैदा करना है, तो आपके पास एक ऑप्शन है, गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है ना उसको टर्न करें। तो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, इट इज़ आल्सो कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम गाड़ी में एक्सेलरेशन पैदा करना चाहते हैं, या तो हमने वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कम करना है या ज़्यादा करना है, इसको कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी, और या हमने वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करना है। तो अगर आपने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ना कम किया और ना ज़्यादा किया और सिर्फ उसके डायरेक्शन को चेंज किया, फिर इस एक्सेलरेशन का एक खूबसूरत नाम है, ये आगे लेक्चर में आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के डायरेक्शन पे बात करेंगे, उसमें हम एक्सेलरेशन के टाइप्स पे बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके जी, थैंक यू सो मच।